अस्सलामुअलैकुम। ये IBA JEST टेस्ट है 15/9/2021 की जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, और ये उसका मैथ पोर्शन है। उसके हम चंद सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका क्वेश्चन नंबर 52 है, द वैल्यू ऑफ 1+2^0+3^2+4^0/5+6^0 वुड बी। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। अब ये सिंपल अर्थमेटिक का प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करके हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 1+2^0+3^2+4^0/5+6^0। अब ये जो क्वेश्चन है वो बोडमास के रूल्स के तहत हम सॉल्व करेंगे। सारे जो क्वेश्चन हैं ना, उनकी जो भी कैलकुलेशन है वो बोडमास एक यूनिवर्सल रूल है, उसको फॉलो करते ही हम सॉल्व करते हैं। अब उसमें सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स होती हैं। आमतौर पर तीन तरह की ब्रैकेट्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन असल में चार होती हैं, और इस पर अलग मैं एक जो है लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें मैं डिटेल्ड बोडमास पे सारा कुछ बताऊँगा आपको। उसके बाद होता है ओ, जिसका मतलब है ऑर्डर, और काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि इसका मतलब है ऑफ। ऑफ नहीं होता, ये ऑर्डर होता है। फिर जो है बेसिक चार ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इस प्रॉब्लम में कोई ब्रैकेट तो नहीं है। उसके बाद बारी होती है पावर्स की, तो लिहाजा ये 2^0 है, 3^2 है यानी स्क्वायर है, और 4^0 है। जब भी किसी नंबर पे पावर ज़ीरो होता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। 2^0=1। इसी तरह अगर 10^0 होता फिर भी 1 होता, 3^0 होता फिर भी 1 होता। ये किसी भी नंबर पे, किसी भी क्वांटिटी पे अगर पावर ज़ीरो है तो 1 हो जाता है। और इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किसी भी नंबर पे या किसी भी क्वांटिटी पे जो पावर ज़ीरो होता है वो 1 के इक्वल क्यों हो जाता है। इसी तरह 3^2 यानी 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दो दफ़ा, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 9। फिर ये है 4^0, फिर वही बात आ गई कि अगर पावर ज़ीरो है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, अपॉन 5+6^0 यानी फिर 1 आ गया। अब ऊपर वाले हम सारे जो नंबर्स हैं वो ऐड करेंगे, 1+1 2, 2+9 11, 11+1 12, ये हमारा नंबरेटर हो गया 12। और ये नीचे वाले जो नंबर्स हैं बार के नीचे वाले वो भी हम ऐड करेंगे, 5+1 ये हो जाएगा 6, और उसके बाद 12/2। अब इस पे हम कॉमन टेबल लगाएंगे, मतलब ऐसा टेबल जो दोनों पे यकसा लगे, एक जैसा लगे। अब एक तो 2 का टेबल भी दोनों पे लग रहा है, इसी तरह 3 का टेबल भी दोनों पे लग रहा है, लेकिन हम ये टेबल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ये क्विक मैथ के हवाले से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्विक मैथ में ये है कि हमारा टाइम बचे। अगर हम 2 का टेबल लगाएंगे फिर उसके बाद 3 का टेबल लगाएंगे, इसमें हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और अगर इम्तिहान के दौरान, एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान हमारे चंद सेकंड भी एक प्रॉब्लम में बच जाए ना, तो वो गनीमत है हमारे लिए। तो लिहाजा ये इतना बड़ा टेबल नहीं है जो हमें याद ना हो, 6 का 6 पे एक दफ़ा और 12 पे 2 दफ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि जब डिनोमिनेटर 1 आ जाए तो वो हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबरेटर लिखते हैं, और लिहाजा इसका आंसर जो है वो है 2, और ये हो गया ए ऑप्शन। इसका जो ए ऑप्शन है 2 वो आंसर है। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन -16k
प्लस ब्रैकेट स्टार्स माइनस के ब्रैकेट ओवर माइनस 15 के माइनस ब्रैकेट स्टार्स माइनस 11 के ब्रैकेट ओवर माइनस ब्रैकेट स्टार्स माइनस 17 के ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 1 इज, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें वेरिएबल है के और उस के का हमें वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए भी हमें चार ऑप्शंस मिले हुए हैं, माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 3 और डी है माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, माइनस 16 के फिर है प्लस माइनस के फिर है माइनस 15 के फिर है माइनस 11 के फिर है माइनस ये ब्रैकेट में है माइनस 17 के और ये हो गया इज इक्वल टू 1। अब सिंपली ये हो जाएगा माइनस 16 के। अब ये प्लस और ये ब्रैकेट में अंदर है माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसमें फ़िलहाल ये सीख लें कि जो भी एक जैसी ऑपरेशंस हैं यानी कि दोनों अगर प्लस हों तो उसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होगी, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अगर दोनों माइनस हैं तो वो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों एक जैसी ऑपरेशंस हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, अगर एक प्लस है और दूसरी माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो और ये प्लस तो फिर भी माइनस हो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये बाहर प्लस है और अंदर जो है वो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये के हो जाएगा, ये माइनस के 15 के आ गए। अब ये बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 11 के, और ये बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा 17 के इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ करके रखेंगे और माइनस वालों को एक साथ करके रखेंगे, तो ये 11 के प्लस 17 के, ये 11 के पहले प्लस है और यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि एक्सप्रेशन की शुरुआत है ये बिल्कुल, और शुरू में अगर वो पॉजिटिव का वैल्यू हो तो हम प्लस का साइन नहीं रखते। ये माइनस 16 के और ये माइनस के, ये माइनस 15 के इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 17 और 11 28 के, और ये तीनों जो हैं माइनस के हैं ये कितने हो जाएंगे माइनस के 16 और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 तो हर जगह एडजस्ट हो जाता है ना, नीचे हो ऊपर हो पहले हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 एक ये 17 और 15 32 ये 32 के इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस के 28 के हैं और ये माइनस के 32 के, तो ज़्यादा किसके हैं माइनस के हैं, तो लिहाजा माइनस के ही बचेंगे कितने 4, 32 माइनस 28 4 के इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस 4 है वो के साथ मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि माइनस 4 और के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन है, तो लिहाजा ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो के इज इक्वल टू 1। जब ये माइनस 4 बराबर के इस साइड पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा अपान में आ जाएगा, तो इसका हमें जवाब मिल गया है माइनस 1 अपान 4। ये है डी ऑप्शन है माइनस 1 अपान 4, ये सही ऑप्शन है, ये सही इसका आंसर है। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और दूसरे लेक्चर में बाकी जो सवाल आते हैं और क्वेश्चन पेपर में से दूसरे जो अभी रह गए हैं मैं अपलोड करता जाऊँगा। ओके, थैंक यू।